अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम एक नई गन का रिव्यू करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह आपको गन पसंद आएगी और उम्मीद है कि रिव्यू भी पसंद आएगा। तो हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं अब्दुल रहमान भाई, उनकी गन है, तो उन्होंने हमें इजाज़त दी इस गन का रिव्यू देने की। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आज हम डियाना 470TH गन का रिव्यू देने जा रहे हैं। जैसा कि आप इसकी बैरल देख सकते हैं, जो बैरल है वो रिफल स्टील की बनी हुई है और इसकी जो बैरल की लेंथ है वो तकरीबन 18 मिलीमीटर है, जबकि ओवरऑल अगर गन की लेंथ देखी जाए तो 47 मिलीमीटर है। और इसका जो लीवर है वो अंडर लीवर इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि नीचे से ये लोड होती है, गन लीवर नीचे लगा होता है इसका, और फुल यानी कि लकड़ी की बनी हुई है और बेहतरीन किस्म की लकड़ी इसमें इस्तेमाल भी हुई है। MB स्टाइल की इसकी ग्रिप है जो पकड़ने में काफ़ी कम्फर्टेबल है और मजबूती से गन पकड़ाई जाती है। ये स्प्रिंग लोडेड पिस्टन है और 0.177 कैलिबर और 0.22 कैलिबर दोनों में आती है। जो ये हमारे पास है ये 0.22 कैलिबर की है और इसकी जो मैक्स वेलोसिटी है वो 1120 FPS है, तो ये काफ़ी जो है वो पावरफुल गन है। ट्रिगर जो है इसका वो 2-स्टेज एडजस्टेबल मेटल T06 मैच ट्रिगर है और इंतहाई स्मूथ ट्रिगर है। मैंने गेमो एक्सप्रेस से इसका मुवाजना किया तो उसके नस्बतन तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर है। ड्यूल रेस चेक पीस इसे इसके ड्यूल रेस चेक पीस का मतलब होता है कि ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है और काफ़ी नरम जो है वो, मतलब आप तंग नहीं होंगे इसको इस्तेमाल करते हुए। जो उसका बर्ड पार्ट है वो वर्टिकल एडजस्टेबल रबर का बना हुआ है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है ये भी। और इसके जो बर्ड पैड है उसको साइड पे आप लोगों भी देख सकते हैं, TH लोगों माफी मिल लीजिए।